शहर में इन दिनों महानगर पालिका धोखादायक और अति धोखादायक का नोटिस हर दूसरे इमारत में रहने वाले लोगों को थमा रही है। बता दें कि भिवंडी के गणेश सोसाइटी स्थित स्वामी समर्थ अपार्टमेंट को भी मनपा के अधिकारियों ने अति धोखादायक का नोटिस दे दिया था, जिसे लेकर भाजपा के नेता बाल मुकुंद शुक्ला ने इस मुद्दे को भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी के पास मदद की गुहार लगाई थी, जिस पर संतोष शेट्टी ने इस नोटिस के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि मनपा के अधिकारियों ने गलत तरीके से यह नोटिस थमा दिया है। हालांकि अब इमारत को स्ट्रक्चर ऑडिट करने को कहा गया है और अब जाकर इमारत में रहने वालों के जान में जान आई है, जिसका पूरा श्रेय संतोष शेट्टी को जाता है, जिसे लेकर इमारत के रहवासियों ने संतोष शेट्टी का स्वागत सत्कार कर आभार प्रकट किया। तो वहीं पर संतोष शेट्टी ने जनता से आह्वान किया कि अगर मनपा का कोई अधिकारी आपको परेशान करता है तो आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं। जो बिल्डिंग गिरा था उसके बाद उस टाइम भी कमिश्नर ने 21 साल तक जो भी बिल्डिंग हुआ उसको स्ट्रक्चर ही तो रहा, पूरे महाराष्ट्र में लागू हुआ था और कायदा बना पहले से बना हुआ। और गए साल अपने पद्मा पटेल को पढ़ने भी हमारे उधर एक बिल्डिंग का 38 लोग की जान गई, उस पर ये जो कमिश्नर ने भी फिर से बारिश से पहले जहाँ जहाँ ऐसा बिल्डिंग है धोखादायक बिल्डिंग मतलब क्या है, उन लोग आपको नोटिस ऐसे दे रहे कि आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी करते हैं। अपन को एक उम्र होने के बाद बॉडी चेकअप करते हैं, एक फुल बॉडी चेकअप बोलते हैं जिसको, तो बॉडी में कभी शुगर निकलता है, कभी किसको बीपी ज़्यादा रहता है, तो वो हिसाब से इलाज करता है। ऐसी पूरे भिवंडी में जो 30 साल के ऊपर बिल्डिंग हुई उसको सभी को नोटिस दिया क्या आप लोग अपना स्ट्रक्चर करो, और 30 से 32 जो इंजीनियर है वो भिवंडी के महापालिका ने उनको ने ये किया, उनको सिलेक्शन किया क्या उनका अगर स्ट्रक्चर वो करते और वो जैसा बोलेंगे वैसा महापालिका को मानने रहेगा, उसमें कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी वो इंजीनियर रहेगा जो प्राइवेट इंजीनियर है 25। तो अब क्या हो रहा है, इसमें बहुत से जो जगह मालिक है जो जूनी बिल्डिंग हो गई है और कुछ बिल्डर मिल के कुछ महापालिका के अमला अधिकारी मिल के तो ताबड़ उसको धोखादायक बोल रहे, ताकि आज दो माले का बिल्डिंग अगर 6 माला बनता है तो 2 पैसा मिलेगा। तो लेकिन कब होना चाहिए, ये जो जगह में जो बिल्डिंग में जो रहते चाहे वो 30 साल के भारतीय हो क्या पगड़ी वाला हो या खुद का हो, जब तक उनको लेके बैठते नहीं काम होगा नहीं। तो ऐसे बहुत जगह हमारे एरिया में कुछ जगह पर ऐसी गड़बड़ दिखी थी हमें, तो हम तो उसको पकड़ के सब कुछ सीधा करने को लिए, तो जहाँ तक हमारे एरिया में हमने रोका है तो ये चीज़ हमें बहुत जगह बाहर नहीं मालूम पड़ रहा है। तो अभी धोखादायक नोटिस देने के बाद एक बहुत बड़ा धंधा चालू हो गया, धंधा एक साल से कुछ महापालिका अधिकारी कुछ बिल्डर कुछ जो सब मालक बोलते हैं, बहुत मालक अच्छे भी है जमीन मालक, कुछ मालक जिनकी नियत ही खराब है वो, और जो बिल्डिंग तोड़ने वाले ग्रुप है कोई बम्बई से आ रहा है, कोई घाटकोपर से आ रहा है, कोई कहाँ कहाँ से आ रहा है, उनको इंटरेस्ट रहता है कि बिल्डिंग जैसी धोखादायक में खाली करते उसका जो लोकन कैसी बिक के खाने का, दवा दवा कैसे बेचने का, बहुत बड़ा गैंग बन गया। ये गैंग में जब मेरे नज़र में आया तो मैं खुद एक भारतीय जनता पार्टी के नाते, एक नगर सेठ के नाते, एक सब जगह जहाँ से भी कंप्लेंट आता है उसको हम लोग पूरा ध्यान देते हैं। पहले हमको लगा हाँ यार इतना फास्ट काम क्यों हो रहा है, लेकिन जब ऐसा मान पाए पूरी एक टीम है, एक टीम काम कर रही है, मतलब जैसी धोखादायक नोटिस देने से लेकर उसको तोड़ बिल्डिंग का पूरा मटेरियल कैसे बेचने का और बिल्डिंग कैसे बनाने का, जिसमें क्या देखे हम लोग ने वहाँ के जो रहवासी से भारत के लोग हैं और जो खुद का घर है उनको घर मिल नहीं रहा। तो इसलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, पंचनामा होना चाहिए। पंचनामा मतलब ऐसा था कि महापालिका के लोग आते उसको उन लोगों जितना एरिया देखते और महापालिका अपना ठप्पा मारते, वो एक साक्षी होता था महापालिका आदमी का, कल को कोई पलटी नहीं करे और वो जब भी बिल्डिंग बने उनको भी उसका हक रहे। तो ये बात अभी मैं कमिश्नर तक बताइए, इस बिल्डिंग का मसला ऐसा है कि हमारे शुक्ला जी जो हरदम बेचारे हमारे पार्टी के सचिव है, हरदम बेचारे हर उत्तर भारतीय के दौड़ते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष यहाँ पे है प्रवीण जी, हमारे प्रेम जी और यहाँ के मंडल के अध्यक्ष जो देशमुख साहब जो हरदम बहुत से काम में बेचारे आगे रहते, तो इन लोग से भी बात सब मुझे लाया था, मैं देखा इस बिल्डिंग के बारे में और महापालिका से कुछ कागज मंगाया तो उसमें जो साइन करते पंजाबगढ़ में अपने किसी का भी नहीं था, तो वहीं एक झूठा साबित हुआ। और स्ट्रक्चर करना है तो जब तक रहवासी को पता नहीं चलता है तुम खुद कैसे स्ट्रक्चर करते, तो स्ट्रक्चर करने को भी पैसा लगता है, तो पैसा एक आदमी क्यों ऐसे अकेला भरेगा, तो कहा ना कहा मुझे तो खोट लगा। वो खोट की वजह से मैं वहाँ के प्रभारी अधिकारी जो थे इससे पहले उनको बुलाया तो झूठ सामने आया था और तापड़ उनकी बदली हो गई और उस जगह पर हमारे तातली आ गए,
सभा ने सभा के ऑफिसर है और यहाँ के जो भी इंजीनियर हमारे अच्छा एजाज गोरी ने इसमें अच्छा मदद किया है। फिर इसको मैंने नोटिस देने लगाया सबको, इन लोगों ने एक इंजीनियर नियमित किया। उसके बाद मालूम पड़ा कि बिल्डिंग में ऐसा कुछ धोखादायक और खाली करने से नहीं है, इसको थोड़ा कलर बिलर करके जो उसकी बीमारी बताया इंजीनियर ने वो करना है। तो फिर से आज उनको ऑर्डर मिला महापालिका की तरफ से, ऐसा होता नहीं, लेकिन मैं आपके माध्यम से टीवी के माध्यम से जहाँ भी ऐसा होता होगा हमको संपर्क कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को संपर्क कीजिए, स्थानीय नगर सेवक को संपर्क कीजिए, ताकि क्योंकि हमने कमिश्नर साहब को भी बातें किया, कमिश्नर साहब को वो बात तो सही लगा कि आज कमिश्नर साहब अच्छा है हमारे, और उन्होंने एक आदेश निकाला कि जहाँ भी धोखादायक होता है उनको अगर पंचनामे करने हैं उनके घर जगह पे करो, उनको वहाँ पर बुलाओ मत। अन्ना जी आए हुए हैं आज हमारे गरीब सोसाइटी में, जो कि एक महीना पहले नोटिस आई थी, पहले नोटिस आती थी जाती थी, रिपेयरिंग है हुआ रिपेयरिंग है तो लॉकडाउन के बाद हम लोग कर लेंगे, तो अभी एक महीना पहले नोटिस आई और हम लोगों को मालूम भी नहीं हुआ। उसके बाद जो है महानगर पालिका के कुछ कर्मचारी और पुलिस प्रोडक्शन लेके सबका मीटर काट के और पानी जो है पानी का नल कनेक्शन काट के 24 घंटा के अंदर बिल्डिंग में बोले कि आप लोग बिल्डिंग खाली करो। तो 17 परिवार जो हमारे बिल्डिंग में रहते थे ऊपर से नीचे तक सब लोग मेरे पास आए, बोले शुक्ला जी अभी क्या करना है, हम लोगों को मालूम नहीं था। तो फिर मैं संतोष सेट्ठी साहब को फ़ोन किया जो कि हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनसे फ़ोन करके बातचीत किया, बोला सर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बोले शुक्ला जी एक काम करिए सबको लेके ऑफिस पे आओ फिर मैं देखता हूँ। हम लोग गए उनके ऑफिस पे, जब देखे पेपर मंगाए, पेपर में उसमें किसी के कुछ साइन नहीं था और काफ़ी हम लोगों के साथ में जो है कुछ अजीब तरह की घटना हुई थी। अभी आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर भिवंडी के अंदर संतोष सेट्ठी साहब इतना अगर प्रयास नहीं किए होते तो शायद है कि ये 3 महीने की बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती और सब लोग घर से बेघर हो जाते। उसमें क्या कहा कि जो नोटिस आई थी 24 घंटा के अंदर बिल्डिंग खाली करके आप लोग कहीं भी जाओ, कुछ बात भी किए कोई बात करने के लिए राजी नहीं था। हमारे बिल्डिंग के लिए हम लोगों के लिए टाइम निकाल के संतोष सेट्ठी साहब आए, हम 17 परिवार के तरफ से और हम खुद एक बिल्डिंग में रहते हैं, रहने के हिसाब से संतोष सेट्ठी साहब का अपने तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, 17 परिवार की तरफ से धन्यवाद करते हैं।